सो गाइस, ये है Realme का न्यू स्मार्टफोन Realme 12 5G जो कि कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। अब ये जो फोन है दोस्तों, इसको मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। 16999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये फोन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ चीजें फोन के अंदर आपको पसंद आएगी, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो इसके प्रीवियस मॉडल Realme 11 से तो यहाँ पर कुछ खास चीजें अपग्रेड नहीं करी गई है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग फोन के अंदर हमको कमियां क्या क्या देखने को मिल रही है, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दोनों साइड वाले बेजल्स काफी पतले नजर आ रहे हैं और चिन्ह एवरेज साइज के। स्मूथनेस के लिए दोस्तों यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और 950 निट्स की यहाँ पर पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। सामने की तरफ दोस्तों यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे 108 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी यहाँ पर दिया गया है। वैसे 5G फोन है तो इस फोन के अंदर 9 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और वाटर रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर IP54 का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है जो कि Realme UI 5.0 के ऊपर रन करता है। जहाँ पर Realme ने ये कन्फर्म किया है कि यहाँ पर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेगी। लास्ट में गाइस, हम अगर इसके परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर MediaTek का Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर लगा है, जहाँ पर UFS 2.1 वाले स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलेगा। तो गाइस, यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसको 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है दोस्तों 6GB 128GB, उसकी प्राइस 16999 रखी गई है एंड सेकेंड वाले मॉडल को 17999 का लॉन्च किया गया है। मतलब 17,000 और 18,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी दोस्तों कि यहाँ पर बैंक ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर SBI बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक्सचेंज करके ये वाला फ़ोन परचेज करते हो तो 1000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इस फोन का बेस वाला मॉडल 14999 का ही पड़ेगा। मतलब 15,000 रुपये के अंदर में ही खरीद पाओगे और इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील ठीक ठाक। अगर आप Realme के फैंस हैं और ऑफर्स वगैरह लगा के इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये फोन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन विदाउट ऑफर आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों 3 जगह पर कॉस्ट कटिंग करी गई है और अब चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। तो गाइज, पहली कमी जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आ रही है, वो है इसके कैमरा सेटअप में। बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, अच्छी चीज़ है। जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट दिक्कत है इसके दूसरे सेंसर में जो कि 2 मेगापिक्सल का है, जबकि Realme चाहती थी इसको बेहतर कर सकती थी कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर दे के। इसके अलावा सेल्फी कैमरा के ऊपर आते हैं तो यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ दोस्तों अभी के टाइम पे इस प्राइस पर हमको बाकी ब्रांड 13 या फिर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करती है, वहीं Realme 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रही है। तो आप खुद सोच करके देखो, क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर Realme को एटलीस्ट 13 या फिर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देना चाहिए था। एंड दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है,
वो है इसके परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर मीडियाटेक का 7600 प्लस वाला प्रोसेसर दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि ये प्रोसेसर अच्छा नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है, वेल ऑप्टिमाइज भी है और डे टू डे लाइफ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। बट दिक्कत यह है कि जब रियलमी 11 लॉन्च हुआ था, जो इसका प्रीवियस मॉडल है, उसके अंदर भी हमको सेम प्रोसेसर ही देखने को मिले थे। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये प्रोसेसर अगर हमको 14-15 हज़ार रुपए वाले फोन के अंदर मिलता है तब तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे ऊपर की रेंज में आते हैं, स्पेशली 17-18 हज़ार रुपए की रेंज में आते हैं, तो यहाँ पर रियलमी को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 वाला प्रोसेसर देना चाहिए था या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड तीसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है वो है इसके डिस्प्ले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है। अभी के टाइम पे देखा जाए दोस्तों काफी सारे फोन ऐसे लॉन्च हो गए हैं 15,000 से नीचे की प्राइस पर जहां हमको AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट पिछले दिनों ही लावा और सैमसंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि इसी प्राइस पर लॉन्च हुआ है, वहां पर भी हमको सुपर AMOLED वाला पैनल देखने को मिलता है। तो रियलमी क्या सोचकर 17-18 हज़ार रुपए वाले फोन के अंदर एक IPS LCD वाला पैनल दे रही है, मुझे पता नहीं। रियलमी को यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही तीन चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका बजट 16-17 हज़ार रुपए का है और इस प्राइस पर आप अच्छे स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हो तो पिछले दिनों ही गैलेक्सी F15 करके एक नया स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च किया है जहां पर आपको कम प्राइस पर इससे काफी सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो उसकी तरफ जा सकते हो या फिर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके लावा ब्लेज कव्ड 5G को परचेज कर लो, वहां पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।